स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। सीमा सड़क संगठन यानी के हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका स्लोगन है हम या तो कोई रास्ता खोज लेंगे या बना लेंगे। तो सीमा सुरक्षा संगठन में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है, इसमें वैकेंसी आई है, ठीक है। और जो BRO है, जिसको आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये देश में सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सड़क, पुल, राजमार्ग, सुरंग, हवाई अड्डा, इन सब के बुनियादी ढांचों के निर्माण में अभी लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी BRO ने एक अटल सुरंग और उमलिंगला दर्रे तक जो है सड़क बनाया है, ठीक है, जो कुछ इंजीनियरिंग का महान कार्य निर्णय किया गया है, ठीक है। अब BRO में कुछ पद आए हैं, ठीक है, जिसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इस वर्क में करना चाहते हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर से जरूर शामिल हो। इसमें टोटल 4 पद हैं, 4 पोजीशन हैं और टोटल सीट जो है 1178 है। तो पहले 2 पद की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है मल्टी स्किल्ड वर्कर, जिसको राजगीर बोलते हैं, और दूसरा है मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग सहायक। तो ये 2 है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, पूरे वीडियो को देखिएगा कि इसमें क्या योग्यता है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ही गोल्डन चांस है, ठीक है, जो उन्होंने 10th और 12th कर रखा है। तो सबसे पहले मल्टी स्किल्ड वर्कर, इसके लिए अनारक्षित के लिए 26 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 15, यानी कि अनरिजर्व्ड, ठीक है, SC ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यानी कि OBC, इसके लिए 56 सीट है, और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके लिए 20 सीट है, टोटल 147 सीट है। उसी तरह मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग सहायक के लिए 56 अनरिजर्व में है, SC में 26 है, अनुसूचित ST में 13 है, और OBC में 44 है, और EWS में 16, टोटल मिला के 155। तो ये जो 2 सीट है, ये 2 सीट की जो अंतिम तिथि है वो 22 जुलाई 2022, यानी 22 जुलाई 2022 तक आपको इसको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ठीक है। बाकी फिर 2 है स्टोर कीपर तकनीकी, उसका अनरिजर्व का 157 सीट है, SC में 53 है, ST में 26 है, OBC में 103 है, और EWS में 38, टोटल मिला के 377 सीट है। उसी तरह से लास्ट हमारा है मल्टी स्किल वर्कर, जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक होता है, उसके लिए 164 अनरिजर्व में है, SC में 90 है, ST में 50 है, और OBC में 177 है, और EWS में 18 है, टोटल 499 यानी 499। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई 2022 है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डेट 11 जुलाई 2022 का आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जब आप YouTube वीडियो हमारा खोले होंगे तो दिखा होगा, क्योंकि 11 जुलाई तक आप कर लेंगे तो 22 वाला ऑलरेडी ही फिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने वो डेट चूज किया है, ठीक है। तो ये सारे पद हैं और कैसे कैसे इसको बांटा गया, इसके लास्ट ठीक क्या है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पोस्ट है ये केवल और केवल पुरुषों के लिए है, केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए नहीं। सबसे पहले ये मल्टी स्किल्ड वर्कर राजगीर, इसके लिए हमारे पास जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल का होना चाहिए। इसके लिए पहली शर्त ये है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी 10th की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी आईटीआई से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से भवन निर्माण ईट राजगीर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये ईट राजगीर या भवन निर्माण का प्रमाण पत्र होगा, तभी आप राजगीर वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरा पोस्ट है मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग सहायक, इसके लिए एज 18 से 27 साल किया गया है। इसमें है कि बायो से यानी साइंस में वो भी स्ट्रीम क्या होना चाहिए, बायो, अगर आप 10+2 किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा कि नर्सिंग या आपका ANM का जो कोर्स होता है सर्टिफिकेट में, 1 साल का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, या उसके अलावा कोई 1 साल का ऐसा कोई पाठ्यक्रम या मान्यता प्राप्त नर्सिंग किए हुए हैं या फार्मेसी के क्षेत्र में आपके पास है, तो इसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया उच्चतर योग्यता। उच्चतर योग्यता कहने का मतलब है कि नर्सिंग या फार्मेसी के अंदर आप डिप्लोमा, डिग्री या स्नातक है, तब भी आप एलिजिबल हैं।
तीसरा है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए 18-27 साल का एज रखा गया है। इसमें भी किसी भी बोर्ड से आपको 10+2 होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई शर्त नहीं। साइंस से हो, आप आर्ट से भी हो सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि वाहन या इंजीनियरिंग उपकरण से संबंधित स्टोर कीपिंग की जानकारी हो, ये जरूरी है। दूसरा चीज़ है कि स्टोर संस्थापन में 3 वर्ष का अनुभव, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, 3 ईयर्स का, तो ये हो गया। और चौथा है आपका मल्टी स्किल वर्कर, ड्राइवर इंजन स्टैटिक, इसमें भी एज 18-27 होना चाहिए, इसमें भी 10th मांगा गया, 10th, इसमें 10+2 है, इसमें 10th है। इसमें क्या है कि औद्योगिक प्रशिक्षण से या औद्योगिक ट्रेड सर्टिफिकेट से या आपका जो राष्ट्रीय व्यवसायिक ट्रेड प्रशिक्षण परिषद है से आपको मैकेनिक मोटर या व्हील या ट्रैक्टर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इसके बारे में जो अभी अगर आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.bro.gov.in पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें 4 पोस्ट है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और जो एक्सपीरियंस वाले वो भी जा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा, थैंक यू वेरी मच।